अस्सलाम वालेकुम। फैब्रिकेशन विद शुएमिर में खुश आमदीद। ये वीडियो कावच वेलफेयर ट्रस्ट और यूसुफ अली कैम ट्रस्ट के तआवुन से पेश की जा रही है। आज का हमारा टॉपिक है पाइप फिटर का इंटरव्यू। और से एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरी वीडियो से 1% भी फायदा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। करेंगे तो वीडियो को तवज्जो से देखिएगा। तो आप रेडी हैं इंटरव्यू के लिए? यस सर। आप अपना नाम बताएं बेटा। मोहम्मद सलमान। रेडी है? यस सर। अच्छा बेटा, जो आपके सामने ये पड़ा हुआ है इसे क्या कहते हैं? AG4। अच्छा, AG से क्या मुराद है? एंगल ग्राइंडर। अच्छा, एंगल ग्राइंडर कौन कौन से साइज में होते हैं? AG5, AG9, AG7। अच्छा, कि AG5 की जो डिस्क है कटिंग, वो AG4 को लग जाएगी? नहीं सर। उसकी क्या वजह है? सर, इंटरनल होल छोटा होता है। ये कौन से ग्राइंडर की है? AG4। अच्छा, कौन सी चीज इसमें है कि जो AG5 में नहीं होगी, डिस्क में नहीं होगी? ये सर, इंटरनल होल। इंटरनल होल इसका कितना है? 16 मिली। और उसका कितना होगा AG5 और 7 का? 22-23 मिली। और 9 का कितना होगा? वो भी 22 और 23 मिली। अच्छा, 9 की अगर हम लगाना चाहें 7 को, लगेगी कि नहीं लगेगी? एंगल ग्राइंडर को लग जाएगी। उसकी क्या वजह होगी? इंटरनल होल सेम होता है सर। कौन सा? AG9 का और AG5 और AG7 का। ठीक हो गया। इसे क्या कहते हैं? पेंसिल ग्राइंडर। अच्छा, और ये सामने जो आपको नजर आ रहा है इसे क्या कहते हैं? पावर ब्रश। पावर ब्रश कहते हैं। अच्छा, आप रेडी हैं बेटा? यस सर। तो आप मुझे बताएं चलें, ये क्या है? हाफ राउंड फाइल। अच्छा, और इसे क्या कहते हैं? राउंड फाइल। और ये वाली? फ्लैट फेस फाइल। फ्लैट फेस फाइल। आपको इसका पता है ये क्या है? यस सर। इसे क्या कहते हैं? ए रिवेट। अच्छा, ये किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? रिवर गन से। अच्छा बेटा, आपको पता है इसे क्या कहते हैं? जी सर, ये वर्नियर कैलिपर है। इनका एंड आया, आउट आया, डेप्थ मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शाबाश। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? रिवर। अच्छा, आप ऐसे करें, मुझे ना इसका डाया फाइंड करके दें। ठीक है, आप रेडी हैं? जस्ट सर। अच्छा, मुझे बताएं इसे क्या कहते हैं? स्क्रू ड्राइवर। अच्छा, ये कौन सा है इसमें? फ्लैट फेस। और ये वाला कौन सा है? फ्लिप फेस। फ्लिप फेस। अच्छा अच्छा, इसे क्या कहते हैं? आउटसाइड आउटसाइड कैलिपर। अच्छा, और इसे? इनसाइड कैलिपर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ये सर, ये सर जी 4 mm का लाइन कर। इससे हम इंटरनल डायल मालूम कर सकते हैं सर। कौन सा डाया मालूम कर सकते हैं? इंटरनल डाया। और इससे? आउटसाइड। आउटसाइड आउट डाया मालूम कर सकते हैं। आउट डाया मालूम कर सकते हैं। अच्छा बेटा, मुझे आप ये बताएं ये क्या है? सेंटर कॉल। आप मुझे ये बताएं कि ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं? निशान लगाने के लिए सर। कहाँ पे निशान लगाने के लिए? ये ब्लेड पर या मेटल पर। अच्छा, तो ज्यादातर आप 1 इंच में कितने सेंटर पॉइंट लगाए जाते हैं? 3 दफा लगाते हैं सर। कहाँ कहाँ पे लगाएंगे? फासला बराबर। 1 इंच के शुरू में, 1 मिड में और 1 लास्ट में, यानी कि 1 इंच में 3 सेंटर पंच लगाएंगे। अच्छा, आपको पता है ये क्या चीज है? स्क्रू गेज है सर। अच्छा, इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 मिली। अच्छा, इससे कौन सी गुमाइश ले सकते हैं? थिकनेस मालूम कर सकते हैं इससे। अच्छा, आपको वर्नियर कैलिपर आता है? जी सर। इससे क्या कहते हैं? इस सर बिट कहते हैं, ड्रिल बिट। ड्रिल बिट। अच्छा, आप ऐसे करें, मुझे इसका ना डाया मालूम करके दें। और आप मुझे बताएं बेटा कि ये जो डिस्क है, ये वाली सर, ये 12 mm की है। ठीक हो गया। ये कौन सी डिस्क है? एक AG5 ग्राइंडर। ग्राइंडिंग है कि कटिंग है ये? एक ग्राइंडिंग। अच्छा, इसका जो डिस्क है, ये मैं अगर 4 इंच के ग्राइंडर को लगाना चाह रहा हूँ तो लग जाएगी? नहीं सर। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि इसका इंटरनल होल है 22-23 और AG4 का है 16 mm। ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे बताएं ये कौन सी डिस्क है? ये सर कटिंग वाली कटिंग डिस्क है। अच्छा, ये कौन से ग्राइंडर की? AG5 की या 7 की, 9 की? ये AG9 की है सर। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि ये क्या चीज है? सेपरेट लेवल है सर। अच्छा, ये किस पोजीशन में पड़ा हुआ है? 180 में। अच्छा, हम इससे कौन कौन सी डिग्री में जो लेवल चेक कर सकते हैं?
180, 90, 45. अच्छा मुझे 90 में बताएं कैसे चेक करेंगे हम? ये बबल कहाँ पे होनी चाहिए? इधर म्यान होनी चाहिए। और अगर 45 में करना हो तो फिर? इधर ही है। ये मिड में होना चाहिए कहाँ पे? मिड में होना चाहिए सर। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको पाइप फिटर टूल्स का अच्छे तरीके से पता चल गया होगा और पहचान भी पता चल गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।